लड्डू बन रहा मेरा घर भी पैसे चला ठीक है कि रावी है ना है? और रावी जल्दी नाल नहर है ना रावी इधर सतलुज यह गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के छोटे साहबजादे बिछड़ गए थे ये वो जगह है परिवार बिछोड़ा इतने बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया संगत काफी इतने आती है मत्था टेकने आनंदपुर के कोल ही है कि असं भी इतने आए मत्था टेकन मीन्स 70-80 के करीब पौड़ियाँ चढ़ के असं उपर पहुंचे गुरुद्वारा परिवार अच्छा होपफुली तुम्हें मेरी छोटी जी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना शान सब दिन पंजाब एक इदा की जगह है एक इदा का मीनस स्टेट है कि जिथे गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा बहुत सिखा गुरुआ की धरती है तो गुरबाण वाला है सिखा के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी उन्हों का जन्मदिन जिन असं गुरपुरब कहते हैं वह आने वाला बुधवार में तो दिन हम सारे गुरपुरब बहुत सारिया बधाई लख लख न्याणे बहुत ज़्यादा आए स्कूल के बच्चे काफ़ी आए हैं एक गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा आ सारिया सीढ़ियाँ थोड़े उपर तक थैंक यू सो मच टेक केयर मेरा बेबी नाना जी बाय बाय इन्हें हाथ चटी पाते चटी अस सारिया पौड़िया थले बाय बाय टेक केयर ए मीनस उस टाइम दिया पिक्चर्स कह लो फोटो तुसी कह लो कि है ने सरसा नदी ते मैं वीडियो पंजाबी अज शूट करती पई हाँ तो बोलती पई हाँ आनंदपुर साहिब तो बाद सरसा नदी पार करने समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार तीन हिस्सों में बिछड़ गया सरसा नदी में बहुत सारे सिख अते धार्मिक ग्रंथ सरसा दी भेट चढ़ गए आने जो ये सरसा नदी पार की आप परिवार बिछोड़ा इस जगह पर जगह तक जगह मैं खड़ी हुई हूँ इस टाइम गुरु गोबिंद सिंह साहिबजादे छोटे साहबजादे इतने बिछड़ गए थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब से
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਗਈ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।